हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू व्लॉग। मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं मनप्रीत व्लॉगर। तो गाइस, सुबह हो चुकी है, तकरीबन टाइम है 5:30 का, आई थिंक 6 बजे का टाइम है। मैंने टाइम देखा नहीं, बस उठी तो मैं 5:30 बजे थी और ब्रश वगैरह करके आ गई हूँ सीधे किचन में। आज चाय बाद में पीऊँगी, पहले सबसे पहले मेरे को रिकॉर्डिंग का मतलब वीडियो शूटिंग का काम करना है और अपनी बेटी को तैयार करना है। आज उसका कायदे से फर्स्ट डे है स्कूल का, वैसे तो आज सेकेंड डे है लेकिन फर्स्ट डे ही गिनूँगी, क्योंकि कल यानी कि यस्टरडे हम गए थे स्कूल। वो तो हम मतलब सेरेमनी थी, अक्षर आरंभ की सेरेमनी थी, उसके बारे में अलग से वीडियो आएगी, आप देख लेना। तो आज कायदे से आज ही उसका फर्स्ट डे है, तो आज मैं उसके टिफ़िन के लिए बनाऊंगी लौकी की सब्ज़ी, थोड़ा सा ही लौकी की सब्ज़ी थोड़ी बनाऊंगी, क्योंकि आपको पता ही है हस्बैंड तो खाएंगे नहीं। तो उसको मैं मतलब नूर को और युवराज जब खाने वाला होगा तभी उसको भी, बस यही कोशिश करूंगी कि हरी सब्ज़ी हर एक प्रकार की ये खाएँ, इनको ऐसी हैबिट नहीं लगने दूँगी कि ये बल्कि खाने में थोड़ा सा चूज़ी बिल्कुल भी नहीं होने दूँगी। आई विश कि ये हर एक तरह की हरी सब्ज़ी खाएं, ये नखरे मर के मेरे को करके ना बताएं कि मैंने ये खाना है और वो खाना है, ऐसा कुछ नहीं करके बताएं। और सबसे पहले मैंने उसका टिफ़िन वॉश कर दिया था, क्योंकि न्यू था, अभी यूज़ नहीं किया, वॉश करके मैंने सूखने के लिए रख दिया। अभी यहाँ पे मैं फटाफट से लौकी की सब्ज़ी काट लूँगी, उसके ऊपर प्याज और लहसुन और टमाटर धोकर काटूँगी। ये प्याज लहसुन और लौकी एक साथ काट करके मैं धो डालूँगी। यहाँ पे मैं अलग से तड़का नहीं लगाऊँगी, सभी सब्जियाँ काट करके वॉश करके सीधे ही तड़का लगा दूँगी, क्योंकि इससे भी बहुत अच्छा वाला टेस्ट आता है, बनाकर देखना ऐसे। अगर आपके घर में ये कद्दू की सब्ज़ी नहीं खाते तो ऐसे बना के देखना। अभी मैंने पहले सब्ज़ियाँ वॉश कर दी थी और उसके बाद टमाटर अलग से वॉश करके ऊपर काट दिया है। अभी ये कढ़ाई चढ़ाई है ऊपर और हाँ, इसमें डालूँगी मस्टर्ड ऑयल। बाद में ये सब्ज़ी थोड़ी रह जाएगी पककर, इसलिए ऑयल जो है ये पूरा छोड़ देगी सब्ज़ी, इसलिए ऑयल थोड़ा मतलब थोड़ा ही डालूँगी, सिर्फ एक कड़छी डालूँगी ऑयल। जब ऑयल हो जाएगा गर्म तब इसमें सारी सब्ज़ियाँ एक साथ डालूँगी और ऑयल में इसको अच्छी तरह से भून लूँगी, इससे क्या होगा टेस्ट इन्हेंस होगा इसका। तो पहले ये अच्छी तरह से भून लूँगी, फ्लेम थोड़ी सी, फ्लेम वैसे ज़्यादा ही रखनी है यहाँ पे भूनने के लिए। मैंने यहाँ पे थोड़ी सी फ्लेम कम कर दी है, क्योंकि मेरी ये गैस का जो फ्लेम है काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, और साथ में आटा ले लिया है आटा गूंदने के लिए। तो बस अभी भुन गई है सब्ज़ी, तो इसमें मैं नमक मिर्च मसाला सभी जो भी आप डालना चाहते हैं अभी इसमें डालेंगे। तो उसके बाद बस इसको ऐसे ही भूनना है, थोड़ा सा पानी डाल लीजिए ताकि ये सब्ज़ी नीचे चिपक ना जाए, इसलिए। तो बस इसे ढक करके रख दूँगी, अभी साथ ही मैं आटा तैयार कर लूँगी मैं। तो गाइस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मानते नहीं हो कि आप वीडियो तो व्यूज़ तो चलो आ ही जाते हैं, आप देख लेते हैं वीडियो, लेकिन आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ 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 वीडियो अच्छा लगे, नहीं भी लगे तो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है आगे नेक्स्ट वीडियो डालने का। और एंड आई प्रॉमिस कि आने वाले दिनों में आपको अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हाँ, अभी आटा मैंने जल्दी से गूंद लिया है और साथ में सब्जी पक रही है। एक्चुअली हुआ ये था कि कल थी अक्षर आरंभ सेरेमनी की, मतलब फ़र्स्ट लेटर जो उन्होंने बच्चों ने लिखना था, और साथ में ओपनिंग सेरेमनी थी, तो इसके लिए हम पेरेंट्स को बच्चे के साथ बुलाया था। और साथ में ये सब सेरेमनी जब ख़त्म हो गई तो बच्चों को अपने क्लासरूम में लेके जाना था, 10 मिनट के लिए टीचर्स ने बच्चों को अपने क्लासरूम में सिट करवाना था। तो मैं जब ही लेकर के गई तो नूर बड़ी चुप थी, मतलब ठीक थी, शांत थी, खुश थी, लेकिन जैसे ही क्लासरूम में सभी बच्चे गए, सभी बच्चों ने रोना स्टार्ट कर दिया। रोना इतना खतरनाक वाला था ना कि बच्चे जो खुश थे ना वो भी घबरा गए और सभी बच्चे एक साथ रोने लग पड़े। तो कई माओं का, कभी कई मदर्स मेरी तरह इमोशनल मदर तो खुद भी देखकर बच्चों को रोने लग पड़ी थी। तो
तो ऐसे हालात में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा शॉक लग गया था कि ये क्या हो गया हमारे साथ, ये क्या, ये कहाँ कैद में हम फंसने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से अब बच्चे आज फिर से वही काम करने वाले हैं। तो ज़्यादा नहीं, जस्ट 10 मिनट के लिए उन्होंने बच्चों को क्लासरूम में बिठाया था। तो अभी मैं ऐसे पराठा बेल रही थी, पराठा तो जो जो चकला बेलना है ये फिसल रहा था वॉलपेपर के ऊपर, तो इसलिए मैंने नीचे जो एज़ यूजल मैं जो हमेशा की तरह जो रखती हूँ और ये क्लॉथ्स है, ये जो आटे की बोरी होती है ना वो खाली, नहीं आटे की नहीं, चावल की खाली बोरी, वो मैं नीचे रखती हूँ ताकि जो आटा है सरफेस के ऊपर ना गिरे, इसलिए वो मैंने रख दी। तो अभी ये मैं पराठे, दो पराठे बनाऊँगी, एक इसके नूर के अभी खाने के लिए और टिफ़िन के लिए, बाकी का खाना मैं उसको स्कूल छोड़ कर के आऊँगी तभी आ कर के बनाऊँगी, अभी फ़िलहाल कोई खाएगा भी नहीं। और आप देख सकते हैं बाहर धूप निकल आई है, पहले धूप नहीं थी इसलिए जो वीडियो थी थोड़ी ब्लैकिश में आ रही थी, अभी धूप की रोशनी पड़ रही है तो वीडियो क्वालिटी अच्छी हो गई है धूप के कारण। तो अभी देखते हैं आज क्या रिएक्ट करती है नूर और बाकी सब बच्चे, तो वो भी आपको बताऊंगी। अभी यहाँ पे सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट बनने जा रही है और एक पराठा बन गया और दूसरा पराठा मैंने ऊपर चढ़ा दिया है, और साथ में सभी सामान कर दूँगी पैक अप क्योंकि आ कर के दोबारा से खाना अपने लिए और बाकी घर वालों के लिए बनाऊँगी। बस यहाँ पे मैं नूर को उठा करके लेके आई हूँ दूसरे रूम में, वहाँ पे ना मेरे वाले रूम में युवराज भी सोया हुआ था, इसकी आवाज़ से वो भी उठ जाता है इसलिए मैं इसको लेकर आई हूँ। और उठते ही इसका नूर ने मेरे को पूछा कि, बोला कि मॉम, मम्मा क्या आप मेरे साथ जाओगी स्कूल? मेरे को स्कूल नहीं जाना। तो मैं उसे बस प्यार से समझा रही हूँ कि बेटा कोई बात नहीं होता, स्कूल जाना पड़ता है, मेरा अच्छा बच्चा है, ठीक है, उसको जो भी उसको करना है झूठी मूठी बातें सिखा कर समझा वगैरह कर। यहाँ पर मैं उसको फ्रेश करा कर नहलाऊँगी नहीं, थोड़ा मौसम ठंडा है इसलिए, जो और मोटरसाइकिल पे जाना है तो इसलिए नहलाया नहीं मैंने, सिर्फ इसको ब्रश वगैरह मुँह हाथ धुलवा कर फ्रेश कर दिया है और यहाँ पे लेकर आई हूँ। आज ट्यूसडे है तो ट्यूसडे के दिन इसको चलेगी ये वाली टी शर्ट, पिंक और ब्लैक, और पिंक और ब्लैक स्कर्ट के साथ, तो बस ये मैंने पहनाई है। इस जब ये इसके पापा यूनिफॉर्म लेके आए थे तो मैंने चेक नहीं की थी, चेक की थी इसकी दादी मामा ने, तो उन्होंने मेरे को बताया नहीं कि ये जो है थोड़ी लूज़ है, आप देख सकते हैं ये लूज़ है, अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी बस पहना के जानी है, कोई बात नहीं मे भी ठीक हो जाएगी, अगर नहीं सेट हुई तो मैं कर दूँगी थोड़ी सी ऑल्टर, और क्या करना है इसका। तो बस अभी ये नूर घूम कर देख रही है, इसको घूमने वाले कपड़े जो होते हैं ना, फ्रॉक वगैरह लहंगा वगैरह, ये इसको बड़ा पसंद है इसलिए ये घूम कर देख रही है। अभी यहाँ मैं इसकी चोटी बना दूँगी, इसको लगे हुए हैं वाइट रिबन, और कल जो इसने रिबन पहने थे वो बस लगे ही रहने दिए थे। तो अभी उसको पता है कि वीडियो शूटिंग चल रही है तो बस वो फेस बना रही है कैमरे को देख देख कर। वैसे तो सभी बच्चे बस से जाते हैं, वैन से जाते हैं, लेकिन फर्स्ट वीक इसे जल्दी छुट्टी हो जाएगी इसलिए कोई भी वैन वगैरह का कोई अरेंजमेंट नहीं है, तो देखेंगे स्कूल जा कर कर अगर वैन वगैरह का कोई अरेंजमेंट होगा तो वो करवा लेंगे, अदरवाइज़ आज तो इसके पापा छोड़ने जाएंगे, और मेरे को है कि बस मैं भी देखूं जा कर के ये कैसा रिएक्ट करेगी, इसलिए मैं भी साथ में जाऊंगी और युवराज को फीड वगैरह करवा कर जाऊंगी। 1 घंटा आने जाने में लग जाएगा तो ताकि वो 1 घंटा आसानी से निकाल सके। तो बस वो खुश है अभी तो नूर, और देखो काफ़ी फेस वगैरह बना रही है, तो यहाँ पे इसकी चोटी वगैरह बना दूँगी। अभी मेरे को रिबन लगाना है, इतनी प्रैक्टिस नहीं है रिबन लगाने की, लेकिन बचपन में जैसे देखते थे अपनी मम्मी को लगाते हुए वैसे ही मैं इसके लगा दूँगी रिबन।
रेडी करवा कर पूरी रेडी हो गई है नूर अभी अपने लिए। आपको पता ही है हम सुबह सुबह चाय पीते हैं, तो अपने लिए चाय हम बनाऊंगी और हम चाय पी कर निकलेंगे नूर को छोड़ने के लिए, ड्रॉप करने के लिए स्कूल, और आ कर के करेंगे नाश्ता। अभी मैं चाय बना रही हूँ और साथ में जो खाना बनाया था नूर के टिफ़िन के लिए उसका टिफ़िन तैयार कर दूंगी, नूर का टिफ़िन और बोतल वगैरह। उसके स्कूल से मैसेज आया था उसकी मैम का कि 1 वीक तक, जब तक वो बोले, 1 वीक नहीं जब तक वो बोले, सिर्फ बैग में लेकर के आनी है। उन्होंने लंच बॉक्स और सिर्फ वाटर बोतल और बुक्स और नोटबुक्स वगैरह कुछ भी लेकर के नहीं जाना है। तो बस वही अब तैयार कर रही हूँ। अभी सीधा हम चाय पी करके जल्दी से नूर को ड्रॉप करने के लिए छोड़ेंगे, और इसके आगे मैं आपको वो वाली अक्षर आरंभ की सेरेमनी जो हुई थी वो काफ़ी अच्छी सेरेमनी हुई थी, वो उसके बारे में वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय।